मेरा नाम अरविंद आर्य है और आपने मेरा पिछला एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें हमने स्प्राउट्स बनाए थे। और इस एपिसोड में हम बनाएंगे स्पॉन्जी केक। और उसके लिए चाहिए हमें एक कप मैदा और आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा कप मिल्क पाउडर और हमें 1/4 बाउल मिल्क भी चाहिए और हमें पिघला हुआ बटर भी चाहिए और हमें चेरीज भी चाहिए। हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और केवड़ा वाटर भी चाहिए। आप इसके जगह वनीला एसेंस को भी यूज कर सकते हैं। पहले हम मैदा लेंगे, उसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर के बाद हम इसमें चेरीज डालेंगे और इसको मिक्स कर हम शुगर लेंगे। शुगर में हम मेल्ट बटर डालेंगे इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे अब हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे अब हम इसमें दूध डालेंगे अब हम इसको मैदे के मिक्सचर में इसको सारा मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको बहुत देर के लिए जब मिक्स कर लोगे, अगर इसको आप उठा के ऐसे ऐसे करोगे, अगर ये धीरे धीरे कर रहा है इसका मतलब ये मिक्स नहीं हुआ। अगर ये जल्दी जल्दी गिरेगा इसमें चम्मच से तो इसका मतलब है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब ये हो चुका है। और हाँ दोस्तों, हमें ओवन में बटर लगाएंगे हम। मैंने बटर लगा दिए, इसमें पिघला हुआ बटर लगाएंगे कि ये वो नीचे से जले ना। अब हम इसमें ये डाल के बेक
उसमें ट्रे में भी मिक्स करेंगे कि बटर जो है वो सारे जो हमारा मिक्सचर है उसमें फैल जाए, तो वो ऊपर से भी और साइडों से भी और नीचे से जलेगा नहीं। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। और दोस्तों अब हम इसमें चाकू मार के देखेंगे कि ये रेडी हो गया कि नहीं। और दोस्तों अगर आपका चाकू गीला बाहर निकलता है तो इसका मतलब वो अच्छे से नहीं पका है, और अगर आपका चाकू सूखा बाहर निकलता है तो इसका मतलब वो अच्छे से पक चुका है। तो दोस्तों अभी इसको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए हम रखेंगे, इसको हम रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। दोस्तों ये ऐसे काला लाइट ब्राउन हो जाएगा जब ये थोड़ा वैसे पक जाएगा अच्छे से थोड़ा, तो इसके बाद आप इसे चाकू मार के चेक करो। अगर ये वाइट है, अगर इस पर थोड़ा सा भी वाइट कलर हुआ तो आपका, अगर आप उस पर चाकू मारोगे ना तो आपका केक खराब होने का डर है बहुत ज़्यादा। तो इसको जब ये लाइट ब्राउन होगा तभी इस पर चाकू मार के आप चेक करना। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको इसमें आइसिंग नहीं डालनी है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था। अगर आप इसको आइसिंग में डालेंगे तो अगर कोई मेहमान आया है या कोई आया है तो आप एक प्लेट में इनको सजा के भी रख सकते हैं। क्या मैंने इसकी 3 स्लाइसेस की हैं। अब हम इन स्लाइसेस पे आइसिंग करेंगे। अगर आपको आइसिंग नहीं करनी है केक पे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, और अगर आपको करनी है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा टेस्टी बनाना है केक को, चॉकलेटी थोड़ा, तो आप उस पे आइसिंग कर सकते हैं। और आइसिंग के लिए हमें शक्कर चाहिए, एग चाहिए और कोको पाउडर चाहिए। पहले हम एग लेंगे एक नाइफ से उसको, और एग का हम योक नहीं डाल। अब हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर आप अपने टेस्ट से डाल सकते हैं, जितना आपको चॉकलेट इसको करना है।
ये ऐसे दिखेगी तैयार होने के बाद। और इसके बाद हम एक और स्लाइस लेंगे और उसको उसके ऊपर रख देंगे और और अब मैं इसको टेस्ट करूंगा कि ये देखूंगा कि ये कैसा बना है और इसका टेस्ट हमने कैसा इस पे चॉकलेट का टेस्ट डाला है। ये अच्छा है। अब हम एक बाउल में मैं इसको सजा के दिखाऊंगा हम इसको कैसे सजा सकते हैं। और मेरी ब्लॉग चेक करना मत भूलेगा www.shashifilms.com। और अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा।